नमस्ते दोस्तों, जैसे हमने लास्ट पीपीटी में न्यूमेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था, तो हमें एक बेसिक जनरल आइडिया आ गया होगा कि न्यूमेटिक सिस्टम का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है और वो काम कैसे करता है। अभी हमें सीखना है कि न्यूमेटिक सिस्टम के सर्किट कैसे बनते हैं, कि मतलब पिस्टन मूव हो रहा है ठीक है, लेकिन वो मूव होने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, वो सब चीजें हम लोग आगे वाले प्रेजेंटेशन में देखेंगे। फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में हम न्यूमेटिक सर्किट के बारे में सीखेंगे। न्यूमेटिक सिस्टम स्ट्रक्चर, कोई भी सिस्टम दोस्तों ले लो तो उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, उस हिसाब से ही आपका सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में जो फैन रहता है वो फैन घूमता है, फैन घूम रहा है हमें एयर मिलती है, मतलब फैन घूम रहा है यानी कि क्या हो रहा है, वहां पे मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है। लेकिन फैन क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसकी मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई जाके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और वो मोटर घूम रही है, और मोटर के वजह से आपके विंग्स घूम रहे हैं और हवा लग रही। तो मतलब इनपुट में आपने क्या यूज किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है बटन से ऑन ऑफ करने के बाद, उसको पास होती है मोटर में जाती है, उसके बाद भी मोटर में जाने से पहले वहां पे कैपेसिटर रहता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है, जितनी जरूरत है उस मोटर को उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है और उस हिसाब से मोटर घूमती है। मतलब ये सब कंपोनेंट जो है वो एक स्ट्रक्चर में आता है, तो वो स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। तो वैसे भी न्यूमेटिक सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, वो हम डिटेल में सीख लेंगे कि जैसे स्ट्रक्चर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है या फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जनरेशन। किसी भी स्ट्रक्चर में आपको एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, कौन सी भी एनर्जी रहे। तो अभी न्यूमेटिक सिस्टम में हमें क्या करना है, जनरेट करना है क्या, तो एयर को जनरेट करना है, एयर को इस लायक बनाना है कि वो एयर का इस्तेमाल हम सर्किट में कर सके, तो वो प्रोसेस आता है जनरेशन में। तो ये देखो जैसे जनरेशन के लिए हम लोग मोस्टली कॉम्प्रेसर का यूज करते हैं, तो ये जैसे एग्जाम्पल दिया है कि एक स्क्रू कॉम्प्रेसर, तो जैसे इनलेट से एटमोसफेयर से एयर अंदर ले लेता है और उसको बाद कॉम्प्रेसर में उस एयर का क्या किया जाता है, फ्लो इंक्रीज किया जाता है, और वो इंक्रीज किया हुआ फ्लो आगे सिस्टम में सप्लाई किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कंट्रोल। हमने एयर को जनरेट तो कर लिया, लेकिन सर्किट में जब सप्लाई करेंगे तब हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। विदाउट कंट्रोल हम डायरेक्ट एयर एक्चुएटर को भेज नहीं सकते, तो उसमें कंट्रोल एलिमेंट आता है। दोस्तों याद रखना, आगे जाके यही चीजें हमें इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोसेस आता है जनरेशन, जिसमें एयर को जनरेट किया जाता है सर्किट के हिसाब से। दूसरा प्रोसेस है कंट्रोल, हम एयर को कंट्रोल करते हैं आपके सर्किट के एप्लीकेशन के हिसाब से। और तीसरा प्रोसेस, अभी ये कंट्रोल के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, तो वॉल्व यूज करते हैं। तो कौन से वॉल्व यूज करते हैं कंट्रोल के लिए, वो हम आगे जाके देखेंगे ठीक है दोस्तों। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी कि आपने एयर जनरेट कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया, अभी आपको ट्रांसमिट करना है आपकी न्यूमेटिक पावर को या फिर आपकी कॉम्प्रेस एयर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना है, तो वो प्रोसेस जो है वो इस ट्रांसमिशन में आता है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फर्स्ट है आपका जनरेशन, दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है ट्रांसमिशन ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम इन तीनों, तो न्यूमेटिक स्ट्रक्चर के तीन इंपॉर्टेंट पिलर, फर्स्ट है जनरेशन, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है ट्रांसमिशन। तो इन तीन प्रोसेस को हम डिटेल में सीखेंगे। तो इसमें क्या हमने सीखने वाले हैं, तो सिग्नल फ्लो ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, मतलब एयर का फ्लो किस तरह होता है। तो पहले जनरेशन, तो जनरेशन प्रोसेस का काम जिस यूनिट में होता है या जिस सिस्टम में होता है उसको बोलते हैं एनर्जी सप्लाई यूनिट। तो एनर्जी सप्लाई यूनिट में एयर को इस तरह जनरेट किया जाता है कि वो सर्किट में सप्लाई के इस काबिल बन जाए। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है कंट्रोल। तो कंट्रोल को हमने डिवाइड किया है दोस्तों तीन प्रोसेस में, तो वो तीन प्रोसेस कौन सा है, तो सिग्नल इनपुट, सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल आउटपुट। सिग्नल इनपुट यानी कि सर्किट में एयर को सप्लाई करना, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बटन रहता है, वो बटन क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है, लेकिन उसके बाद वो सप्लाई जाने के बाद कंट्रोल करने के लिए और दूसरे कंपोनेंट्स भी रहते हैं। वैसे ही न्यूमेटिक में भी जैसे कुछ बटन रहेगा, लीवर रहेगा, जिससे आप सिग्नल इनपुट करते हो, एयर को सप्लाई सर्किट में देते हो। उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग में आपके जरूरत के हिसाब से आपकी कंडीशन क्या है, आपका एप्लीकेशन क्या है, वो देख के आप सिग्नल को प्रोसेस करते हो, आपको एयर किस तरह भेजना है, कब भेजना है, ये सब एलिमेंट जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग में आते हैं। एक बार प्रोसेस हो गया,
तो आपको एक्चुएटर को मूव करना है। एक्चुएटर को मूव करने के लिए जो वॉल्व यूज किया जाएगा वो आएगा सिग्नल आउटपुट। एट द एंड जो वॉल्व यूज होता है वो सिग्नल आउटपुट में आता है। जनरेशन, कंट्रोल, उसके बाद आता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के लिए जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं, या जो सिस्टम यूज होता है वो उसको बोलते हैं एक्चुएशन। तो एक्चुएशन में हम एक्चुएटर्स यूज करते हैं। तो ये कंप्लीट सिग्नल फ्लो का पाथ है जिसमें न्यूमेटिक सिस्टम काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जस्ट एक बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम काम कैसे करता है वो बताया गया है। तो जस्ट हम पहले कंपोनेंट देख लेते हैं कि न्यूमेटिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है जो हमें दिख रहे हैं इस वीडियो में। तो एक फिल्टर है, फिल्टर के बाद एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर मैकेनिकल यूनिट होता है, तो उसको घुमाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर है और उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हुआ है। उसके बाद एक एयर कूलर या फिर एयर ट्रीटमेंट यूनिट है, और उसके बाद एक स्टोरेज टैंक या रिसीवर है जिसमें प्रेशर स्विच भी लगा हुआ है। उसके बाद एक कंट्रोल वॉल्व है, मतलब एयर को मूवमेंट करने के लिए, एयर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वॉल्व दिया है। और आखिर में आपका सिलेंडर है जिसमें पिस्टन है। तो तीन प्रोसेस मैंने आपको बताया दोस्तों, जनरेशन, कंट्रोल एंड एक्चुएशन। तो जनरेशन में हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं, तो एयर को जनरेट करने वाले हैं। तो एयर जनरेशन में क्या क्या कॉम्पोनेंट आएंगे दोस्तों, फिल्टर आएगा, कॉम्प्रेसर आएगा, आपका एयर कूलिंग या एयर ट्रीटमेंट यूनिट आएगा, स्टोरेज रिसीवर आएगा और प्रेशर स्विच आएगा। ये पांच जो यूनिट है ये आपके जनरेशन प्रोसेस में आएंगे। कंट्रोल के लिए यहाँ सिर्फ एक ही वॉल्व दिया है तो वो कंट्रोल प्रोसेस में आ जाएगा। और आपकी न्यूमेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, तो वो पिस्टन सिलेंडर कर रहा है, तो वो एक्चुएशन में आ जाएगा। तो हर एक कॉम्पोनेंट का कुछ ना कुछ काम है, वो भी हम जान लेते हैं। फिल्टर क्या काम करेगा, एयर को क्लीन करेगा, उसमें डस्ट पार्टिकल अगर रहेंगे तो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा और ड्राई एयर ही आगे कंप्रेसर में भेजेगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कर दिया, मोटर घूमने लगेगी, मोटर के शाफ्ट के वजह से कंप्रेसर घूमने लगेगा। कंप्रेसर क्या करेगा, सक्शन करना चालू कर देगा, एयर को सक करेगा, फ्लो बढ़ाएगा और एयर आगे भेजेगा। अभी उसके बाद जो एयर कूलर या एयर ट्रीटमेंट यूनिट है, तो एयर कूलर क्यों दिया दोस्तों, कि जैसे एयर एयर पे प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के वजह से एयर एक्सपांड होने लगती है, और एक्सपांड होने के वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जगह क्या कर देती है, कंज्यूम कर लेती है। तो हमारे रिसीवर में कम जगह में ज्यादा एयर फिल हो, ज्यादा एयर स्टोर किया जाए, इसलिए एयर कूलर दिया है। तो एयर कूलर में से एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, उसमें मॉइस्चर रहेगा, वो तो एब्जॉर्ब किया जाएगा नीचे से, और फिर वो एयर स्टोरेज की जाएगी। स्टोरेज करने का काम कौन करता है, तो रिसीवर करता है। और रिसीवर का काम क्या होता है दोस्तों, कि सडन रिक्वायरमेंट अगर एयर का गिला सडन रिक्वायरमेंट अगर एयर का होता है तो रिसीवर से आपको मिल जाता है, और उसमें आपके सिलेंडर पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता। ये जनरेशन यूनिट में आ गया। फिर कंट्रोल वॉल्व, जस्ट आपका एयर का डायरेक्शन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है आपके जरूरत के हिसाब से। मैनुअल ऑपरेटेड ये वॉल्व है, तो आपके जरूरत के हिसाब से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, और जैसे आप ऑपरेट करोगे वैसे सिलेंडर में पिस्टन अप एंड डाउन होगा। तो इसका वर्किंग हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। जैसे देखो, फिल्टर से एयर आने लग जाएगा, ब्लैक ब्लैक डैश जो दिख रहा है, कंप्रेसर से पास करते हुए वो एयर आएगा एयर कूलर में। एयर कूलर में उस एयर को ठंडा किया जाएगा और फिर वो एयर स्टोरेज हो जाएगा आपके रिसीवर में। कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट कर दिया है, इसलिए पिस्टन के बॉटम साइड में एयर जा रहा है और पिस्टन लिफ्ट हो रहा है। जैसे पिस्टन लिफ्ट हो रहा है, ऊपर में जो एयर है वो वापस एटमोसफेयर में छोड़ दिया जाए। जैसे उसको लोअर करने के पोजीशन पे हमने डाल दिया, तो जैसे वापस एटमोसफेयर से एयर आया है रिसीवर से होके हुए, एयर का पोजीशन चेंज हो गया। अभी एयर जो जा रही है वो पिस्टन रॉड साइड जा रही है, और रिटर्निंग एयर क्या हो रहा है, एटमोसफेयर में चली जा रही है। तो जैसे इस तरह ये आपका न्यूमेटिक सर्किट काम करता है, ऐसे आपका न्यूमेटिक सर्किट का स्ट्रक्चर रहता है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से हम लोग एक्चुअल में रूम न्यूमेटिक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं वो देखेंगे, उनके सिंबल्स देखेंगे, और आगे सर्किट काम कैसे करता है वो देखेंगे।